पांच सूबों में हुई विधानसभा चोणों लिए वख-वख एग्जिट पोल आ चुके हैं। एग्जिट पोल के नतीजे अनुसार जो चोन नतीजे आउण तां पछमी बंगाल विच भाजपा ते तृणमूल कांग्रेस विचाले सख्त मुकाबला है। केरल विच सत्ताधारी वाम मोर्चा सत्ता संभाल सकता है और असाम विच भाजपा इस बार जित हासिल कर सकती है। एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार तमिलनाडु विच डीएमके की अगवाई वाली विरोधी धिर का गठजोड़ वापसी कर सकता है, जबकि कांग्रेस की अगवाई वाला गठजोड़ गुआंढी सूबे पुडुचेरी विच हार सकता है। पश्चिमी बंगाल बारे एग्जिट पोल की कहते हैं? पश्चिमी बंगाल बारे लगभग इको जिहा अनुमान लगाया गया। पांच सूबों में चोणां हुई हैं पर सब की नजर पश्चिमी बंगाल ते हैं। अधिकारित नतीजे वोटां की गिनती तो बाद ही पता लगणगे, पर हुण तक जो भी एग्जिट पोल आए हैं उन्होंने अनुसार ममता बैनर्जी तीजी बार पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। एबीपी सी वोटर के अनुसार टीएमसी पश्चिम बंगाल 152 तो 164 सीटा जीत सकती है, जबकि भाजपा 109 तो 121 सीटा मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक टीवी सीएनएन एक्स के अनुसार भाजपा पश्चिम बंगाल 128 तो 138 सीटा मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी के खाते 128 तो 148 सीटा हो सकती हैं। सीएनएन न्यूज 18 के एग्जिट पोल के अनुसार टीएमसी 162 सीटा से जीत के बंगाल विच स्पष्ट बहुमत नाल सरकार बना सकती है। सारे एग्जिट पोल विच कांग्रेस अते लेफ्ट दे गठजोड़ नूं वध तो वध 25 सीटा मिलन दा अनुमान लगाया गया। ए नहीं कि सारे एग्जिट पोल ममता बैनर्जी दी जित दी ही गल कर रहे हैं। जन की बात एग्जिट पोल दे अनुसार पश्चिम बंगाल विच भाजपा पहली बार 294 सीटा विचों 174 सीटा जित के सरकार बना सकती है। टीएमसी नूं इस एग्जिट पोल विच 112 सीटा मिलन दा अनुमान लगाया गया। पर जे सारे एग्जिट पोल की औसत कढ़ी जाए तो ममता बैनर्जी की तृणमूल कांग्रेस नूं पश्चिम बंगाल दियां कुल 294 सीटा विचों 149 सीटा मिलन दा अनुमान है। इस दे नाल ही भाजपा 116 सीटा जित सकती है। पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल दियां पांच वड्डियां गल्लां। ममता सरकार के खिलाफ गुस्सा ते समर्थन बराबर। चोट सीटा ते मुकाबला टक्कर वाला। चोन नतीजे सुपर ओवर तक जा सकते हैं। मुस्लिम वोटरां दा वड्डा समर्थन ममता दे पक्ष विच। महिला वोटरां ने भी बीजेपी दे मुकाबले ममता दे हक च ज्यादा वोट पाए। वोट शेयर टीएमसी दा ज्यादा हो सकता है, पर बीजेपी सीटा च ज्यादा हो सकती है। जेकर गल असाम दी कीती जावे तां असाम दे लगभग सारे एग्जिट पोल विच भाजपा दे सत्ता बरकरार रखण दा अनुमान लगाया गया। एबीपी सी वोटर दे एग्जिट पोल दे अनुसार असाम विच एनडीए 58 तो 71 अते कांग्रेस नूं 53 तो 66 सीटां जीत सकदी है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया दे एग्जिट पोल दे अनुसार भाजपा 75 तो 85 सीटां अते कांग्रेस 40 तो 50 सीटां जीत सकदी है। रिपब्लिक टीवी सीएनएन एक्स दे एग्जिट पोल दे अनुसार भाजपा गठजोड़ 74 तो 84 सीटा अते कांग्रेस दा गठजोड़ 40 तो 50 सीटा जीत सकदा है। उत्थे ही जेकर केरल दी गल कीती जावे तां केरल विच सीपीएम सरकार सत्ता विच रह सकदी है। केरल विच पिछले कई बार तो हर 5 सालां बाद कांग्रेस अते सीपीएम दीआं सरकारां आउंदीआं जांदीआं रहिंदीआं हन, पर इस बार इह ट्रेंड टुटदा जापदा है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया दे एग्जिट पोल दे अनुसार सीपीएम दी अगवाई वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट 104 तो 120 सीटा जीत सकती है, जबकि कांग्रेस दी अगवाई वाली यूडीएफ 20 तो 36 सीटा जीत सकती है। रिपब्लिक टीवी सीएनएक्स दे अनुसार एलडीएफ दे 72-80 सीटा जीतने की उम्मीद है, जबकि यूडीएफ दा खाता 58 तो 64 सीटा ते जा सकता है।
जेकर गल तमिलनाडु की की जाए तो अलग अलग एग्जिट पोल के अनुसार तमिलनाडु च स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK सरकार बन सकती है। इंडिया टूडे एक्सिस माई इंडिया के पोल के अनुसार DMK 175 तो 195 सीटा ते जित मिल सकती है। टूडे चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक DMK 175 ते AIA DMK 57 सीटा ते जित मिल सकती है। PMARQ एग्जिट पोल के अनुसार DMK गठबंधन 165 तो 190 सीटा ते जित मिल सकती है, जबकि AIADMK 40 तो 65 सीटा ते सिमट के रह जाएगी। उते ही रिपब्लिकन CNX के अनुसार DMK 165 अते AIADMK 62 सीटा ते जित मिल सकती है। उते ही जेकर गल पुडुचेरी विधानसभा सीट की की जाए ता इंडिया टूडे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार NDA के खाते च 20 तो 36 वोटा आने का अनुमान है। उते ही कांग्रेस के खाते च 6 तो 10 सीटा ते बाकी 0 ते 1 सीट मिलन का अनुमान है। उते ही कांग्रेस के खाते च 6 तो 10 सीटा ते बाकियां नू 1 सीट मिलन का अनुमान है। दस दईए कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी च विधानसभा का कार्यकाल 8 जून नू खत्म हो रहा है। 30 सीटा वाली पुडुचेरी विधानसभा दे लई 2016 च होए चोणा च कांग्रेस की अगवाई वाली UPA गठबंधन नू जित हासिल हुई सी। UPA नू कुल 17 सीटा ते जित मिली, जिस विच कांग्रेस नू 15 सीटा हासिल हुई। हालांकि चोणा तो पहला ही उत्थे सरकार डिग गई सी। ब्यूरो रिपोर्ट।